टीना दत्ता ने बिग बॉस 16 के लेटेस्ट एपिसोड में सारी हदें पार कर दी। अब तक तो टीना वैसे ही शालीन भनोट के साथ लव एंगल खेलती नजर आ रही थी, लेकिन जब सब ने इसे फेक बताना शुरू कर दिया और सलमान से लेकर शो में आए सभी मेहमानों ने उन्हें रडार पर लिया, तो टीना गंद मचाने पर उतर आई। हाल ही के एपिसोड में उन्होंने शालीन भनोट को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोल दी जिसने दर्शक को भी हैरान कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि टीना ने नेशनल टेलीविज़न पर एक आदमी के करेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी। टीना दत्ता ने यह तो दावा किया ही कि शो शुरू होने से पहले शालीन भनोट की टीम उनसे मिलने आई थी और वह बाहर से ही सारी प्लानिंग करके आया था, लेकिन ये खुलासा करके सबके होश उड़ा दिए। शालीन ने बिग बॉस के घर में उनसे कुछ बहुत ही घटिया चीज़ें मांगी थी, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में वह कैमरे पर बात नहीं कर सकती। टीना दत्ता के ये बदले तेवर और शालीन के खिलाफ पैतरा कहीं एविक्शन से बचने के लिए तो नहीं। टीना हाल ही के एपिसोड में बार बार यह कहती दिखाई गई कि वह शो से वॉलेंट्री एग्जिट लेना चाहती हैं, वह इस हफ्ते घर से जाना चाहती हैं, लेकिन खुद ही प्रियंका चाहर चौधरी प्रियंका से यह कहती नजर आई कि उन्होंने गलती कर दी जो कैमरे पर बाहर जाने के लिए बोला, वह जाना नहीं चाहती, जबकि टीना दत्ता इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं। तो कहीं ये सब टीना दत्ता ने इसलिए तो नहीं रिवील किया ताकि बिग बॉस के मेकर्स उन्हें एविक्शन से सुरक्षित कर दें। शालीन के बारे में खुलासा करके कहीं टीना ने मेकर्स को यह हिंट देने की कोशिश तो नहीं की कि वह शो को कंटेंट दे सकती हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन टीना ने शालीन के बारे में जिस तरह की बातें की है उनसे लोग भड़क गए हैं और उन्हें एक्ट्रेस की इस हरकत को घटिया और घिनौना बताते हुए शर्मिंदगी जताई है। यूजर्स ट्विटर पर टीना दत्ता के साथ साथ प्रियंका चाहर चौधरी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। प्रियंका पर इसलिए क्योंकि यूजर्स का मानना है कि वह बड़े चाव से चटकारे लेकर वो गंदी बातें सुन रही थी जो टीना शालीन के बारे में बोल रही थी। टीना और प्रियंका को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें।